हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 25 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज द पार्ट नंबर बी। इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो, आई वुड अर्ज यू टू प्लीज वॉच इट फर्स्ट देन कंटिन्यू विद दिस सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी फोक और ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करने के लिए एमपी गवर्नमेंट जो अवार्ड देती है जिसका नाम होता है तुलसी अवार्ड, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? टू ऑनर आदिवासी फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्फर तुलसी अवार्ड। इट वॉज इनिशिएटेड ऑन विच ईयर? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1983। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो 1983 से 84 के बीच में तुलसी अवार्ड की स्थापना हुई थी ताकि उन आदिवासी फोक और ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर को प्रमोट किया जा सके जो हमारे पूरे इंडिया में है। ओके और ये जो है, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये तुलसी अवार्ड किसके नाम पे दिया गया है। तो ये तुलसी अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है तुलसीदास जी के नाम पे। ओके और जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट ऑफ फिलोसोफर रहे हैं हमारे एंशियंट इंडिया के। और अगर बात की जाए इनकी द्वारा रचित पुस्तक, तो वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस। ओके आप जानते होंगे रामचरितमानस वाज ऑथर्ड बाय तुलसीदास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी अवार्ड 2017 का किसको दिया गया? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जो तुलसी अवार्ड 2017 का जो दिया गया था वो दिया गया था पेमा फात्या जी को। ओके पेमा फात्या जी वन दी तुलसी अवार्ड ऑफ 2017। अगर बात की जाए पहला अवार्ड तुलसी अवार्ड किसको मिला, तो पहली बार जो तुलसी अवार्ड मिला था वो दो लोगों को मिला था। पहला है पंडित गिरजा प्रसाद और दूसरा है हिरजी केशवी। ओके याद रखिएगा पंडित गिरजा प्रसाद एंड हिरजी केशवी वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ तुलसी अवार्ड। और अगर आपसे 2017 पूछा जाए तो वो है पेमा फात्या। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तुलसी अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है टू ऑनर आदिवासी फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ओके और ये जो अवार्ड 2017 का दिया गया वो दिया गया पेमा फात्या को, और पहली बार दिया गया था पंडित गिरजा प्रसाद और हिरजी केशवी को। ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक की फील्ड में, लता मंगेशकर अवार्ड नाम से जिसको जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई? प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक लता मंगेशकर अवार्ड वॉज इनिशिएटेड ऑन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1984। स्पेसिफिकली बोला जाए तो 1984 से 85 के बीच में लता मंगेशकर अवार्ड की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, ताकि उन म्यूजिशियंस को जो कि एक तरीके से एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उनको प्रमोट करने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जा सके। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये अवार्ड दिया कहाँ जाता है। तो ये अवार्ड जो दिया जाता है ये इंदौर में दिया जाता है। अब इंदौर में इसलिए दिया जाता है क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म भी इंदौर में ही हुआ था। और ये अवार्ड कब दिया जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा, ये अप्रॉक्स 4th of December को हर साल दिया जाता है, क्योंकि इस दिन लता मंगेशकर जी का बर्थडे है। ओके अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लता मंगेशकर अवार्ड 2017 का किसको दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो लता मंगेशकर अवार्ड 2017 जो मिला है वो मिला है पुष्पा पगधारे जी को। पुष्पा पगधारे वन दी लता मंगेशकर अवार्ड ऑफ 2017। अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया, तो वो दिया गया था म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी को। ओके नौशाद वन दी फर्स्ट वॉज दी फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ लता मंगेशकर अवार्ड। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 से 85 के बीच में, ताकि जो भी म्यूजिशियंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जा सके। और ये जो अवार्ड दिया जाता है हर साल 4th of December को दिया जाता है, इंदौर में ऑर्गेनाइज होता है। और इस साल का मीन्स 2017 का, पिछले साल का जो लता मंगेशकर अवार्ड मिला वो मिला था पुष्पा पगधारे जी को, और सबसे पहला लता मंगेशकर अवार्ड वॉज गिवन टू म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू लिटरेचर में क्रिएटिव राइटिंग को बढ़ावा देने के लिए इकबाल अवार्ड शुरू किया गया, अब इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1986। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो 1986 से 87 के बीच में इकबाल अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ताकि एक रिस्पेक्ट दिया जा सके क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो कि उर्दू लिटरेचर के हैं। ओके अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकबाल अवार्ड 2018 का किसको दिया गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये रिसेंटली कुछ दिनों पहले की न्यूज है।
तो 2018 का इकबाल अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है शाफे किदवई जी को। शाफे किदवई जी को इकबाल अवार्ड 2018 का दिया गया। ओके, अब अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजोली एला मेनन। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजोली एला मेनन को 2018 का कालिदास अवार्ड मिला है। ओके, तो कालिदास अवार्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, इकबाल अवार्ड मिला है शाफाए किदवई जी को और कालिदास मिला है एंजोली एला मेनन जी को। ओके, अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि इकबाल अवार्ड सबसे पहली बार किसको मिला था, तो वो है अली सरदार जाफरी जी को। अली सरदार जाफरी वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ इकबाल अवार्ड 2018। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि युवाओं में क्लासिकल म्यूजिक के प्रति क्रिएटिविटी का भाव बढ़ाने के लिए कुमार गंधर्व अवार्ड एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई? टू एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यूथ इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कुमार गंधर्व अवार्ड इनिशिएटेड ऑन, तो ये दिया जाता है 1992 से। ओके, 1992 से 1993 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि जो भी युवा हैं मीन्स यूथ हैं उनको क्लासिकल म्यूजिक में क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए दिया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व अवार्ड 2018 का किसको दिया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है नीलाद्री कुमार जी को। नीलाद्री कुमार वॉज द रेसिपियंट फॉर 2018 कुमार गंधर्व अवार्ड। अब इनसे इनके इंस्ट्रूमेंट का संबंध पूछा जा सकता है, तो ये प्लेयर है सितार प्लेयर। ओके, अब एग्जाम में एमबीपीएससी में जनरली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीलाद्री कुमार का संबंध इनमें से किस चीज से है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जा सकते हैं तबला सितार गिटार वायलिन, तो ये इसका सही आंसर है सितार। याद रखिएगा सितार इज द करेक्ट आंसर। अब ये अवार्ड दिया कहाँ पे गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कुमार गंधर्व अवार्ड 2018 का दिया गया देवास में। ओके, देवास डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए लाइक और कमेंट करके, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC, या आप इसके अलावा मुझसे फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।